हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार दो साल का कार्यकाल पूरा करने पर 11 दिसंबर को बिलासपुर में जश्न मनाने जा रही है, जिसको लेकर मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में पीटरहॉफ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विधायकों को भीड़ जुटाने के निर्देश दिए गए हैं। 25 से 30 हज़ार भीड़ जुटाने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। कार्यक्रम में सरकार अपनी दो साल की उपलब्धियों को जनता के बीच साझा करेगी और पूर्व की भाजपा सरकार की 5 साल की कारगुजारियों को भी जनता के बीच में रखेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, सुनिए। ये जो CLP थी, ये हमारे प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार के 2 साल पूरे हुए उस संदर्भ में थी। इस सिलसिले में फैसला किया गया कि सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों से, जो दूर के विधायक है वो कम लोग लाए और नज़दीक के ज़्यादा लोग लगाएं। तो तकरीबन अभी 25 से 30 हज़ार के करीब भीड़ इकट्ठी करने की बात सब लोग टारगेट रखा गया है। 17-18 हज़ार तो अभी विधायकों ने कह दिया, बाकी जो हमारे और विधानसभा क्षेत्र है उसमें इस टारगेट को पूरा करने की रखी गई है। भीड़ बहुत ज़्यादा होगी और 2 साल में हमारी सरकार ने जो व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में कदम बढ़ाया है उसकी जानकारी हमने दी। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में प्रदेश को क्या दिया? 5 साल सत्ता में रही, पुलिस पेपर भर्ती लीक होता था वो दिया युवाओं को, सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड में गरीब आम परिवारों के बच्चे रोजगार प्राप्त करने जाते थे वहाँ पेपर लीक होता था वो भारतीय जनता पार्टी ने इस सरकार को दहेज में दिए, भ्रष्टाचार दहेज में दिया और जो भी इन भ्रष्टाचार में लिप्त लोग थे उनकी जो हम आज देखते हैं तो कई प्रकार की चीज़ें हमारे सामने आई है। तो इन सब चीज़ों पर हमारी सरकार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 साल में कार्य किए वो भी जनता की अदालत में हम लाएंगे। दूसरा, हमने क्या किया? हमने हमारे सरकारी कर्मचारियों को 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। बीजेपी ने, जब हमने सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी तो उन सरकारी कर्मचारियों की अवज में हमारा 1500 करोड़ रुपए का लोन की लिमिट कम कर दी। क्यों? क्योंकि हम सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दे रहे हैं। क्या जयराम ठाकुर जी उनकी सरकार के लोग बोलेंगे कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम देने की हिम्मत रखते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि वो देने की हिम्मत नहीं रखते हैं। दूसरा, हमने अपनी प्यारी बहनों को 1500 रुपये सुख सम्मान निधि की योजना के दिए। दूसरी गारंटी को हमने पूरा किया, चरणबद्ध तरीके से कर रहे हैं। तीसरा, हमने राजीव गांधी ई टैक्सी योजना जो युवाओं की 680 करोड़ की, उसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं। इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना की शुरुआत, जिसमें 23,000 बच्चे विधवाओं के जिनकी आय 3 लाख रुपए से कम है उनको पढ़ाई का पूरा खर्चा देंगे और PG के 3,000 रुपये भी देंगे, हमारी सरकार ने 2 साल में ये दिया। चौथा, गाय के गोबर की खरीद की बात करते थे उस योजना का हम लॉन्चिंग बिलासपुर से करने जा रहे हैं। पांचवा, माननीय कृषि मंत्री के जी के नेतृत्व में हमने मक्की की 30 रुपये किलो के हिसाब से मक्की खरीदना शुरू कर दिया है। दूध का रेट 45 रुपये कर दिया है, भैंस के दूध का रेट 55 रुपये कर दिया है। 11% सरकारी कर्मचारियों को 2 साल के भीतर, अभी 2 साल पूरे होने हमारी सरकार के, DA दिया, 11% DA दिया। सरकारी कर्मचारियों ने जो चीज़ मांगी, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के थे, उनके पिछले एरियर क्लियर किए। बागवानों को MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस से जो सेब खरीदा जाता था, कल्ड एप्पल खरीदा जाता था, उसकी देनदारियां सालों तक पूरी नहीं की जाती थी। 90 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के समय था, 63 करोड़ इस समय हमारी सरकार था, पूरे एक ही स्ट्रोक में सब क्लियर किया। यूनिवर्सल कार्टन हमने प्रदेश में लागू किया, किसान को भी दिया, बागवान को भी दिया, कर्मचारी को भी दिया, अधिकारी को भी दिया। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज़, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।